मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी है सुबह का टाइम और मौसम बहुत बहुत ही प्यारा हुआ हुआ है। शाम के बाद से बारिश हो रही है और अभी रुकी है, और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे बादल हैं। और यहाँ पे जो है अम्मी नाश्ता बना रही हैं, बल्कि नाश्ते से पहले वो मेरे लिए शहद वाला पानी बना रही हैं, क्योंकि मेरा गला बहुत ही ख़राब है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो नीम गर्म पानी में शहद मैं अभी पी रही हूँ, और इसके बाद जो है अम्मी नाश्ता बनाएंगी। और नाश्ते में जो है आज मोटी वाली जो सेवियाँ होती हैं वो मुझे बहुत पसंद है, तो आज स्पेशली मेरे लिए वो बन रही हैं, और बहुत मज़े की होती हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है इनका। और इसके साथ जो है अम्मी बनाएंगी अंडे और पराठे, तो ये बस अभी बन रहा है और मैं इसका वेट कर रही हूँ। मैं पानी पी रही हूँ शहद वाला, और साथ वेट कर रही हूँ कि ये बन जाए। और मैं ना अपनी फेवरेट जगह पर बैठी हूँ, ऊपर ही स्लैब पर मैं बैठी हूँ, और अम्मी नाश्ता बना रही हैं, और बस यही सुकून होता है अपनी अम्मी के घर का, कि इंसान को जो है हर चीज़ हाथ में मिल जाती है, तो बस इसी सुकून को एंजॉय कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं आप देखें स्लैब पे बैठी हुई हूँ और एंजॉय कर रही हूँ, मौसम इतना मज़े का है, मैं वही बैठ कर और एंजॉय कर रही हूँ। और ऑलमोस्ट बस नाश्ता बन गया, अभी हम लोग नाश्ता करते हैं। और हम लोग जो है, हम लोगों का इरादा था कि आज हम लोग वापस लाहौर जाएंगे, वापसी के लिए हम लोगों को निकलना था, बट थोड़ी सी मेरी तबीयत की वजह से आज हम लोग रुक गए हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह कल निकलेंगे। तो वैसे हमने सोचा था कि निकल जाएंगे, बट मौसम भी इतना ज़्यादा अच्छा हुआ हुआ है और कुछ तबीयत का भी इशू था, तो बस आज हम लोगों ने स्टे कर लिया। तो मैं अभी सेवियाँ खा रही हूँ, और इतनी मज़े की होती हैं, इतना टेस्ट इनका अच्छा होता है, तो अक्सर मैं जब भी जाती हूँ तो अम्मी बनाती हैं। और नाश्ता करने के बाद जो है हम लोगों ने बस सेवियाँ खाई थी, हमसे बिल्कुल जो है वो रोटी खाई नहीं गई थी। तो ये अभी दोपहर का टाइम है, और अम्मी ने आज चने की दाल बनाई है, और उसके साथ जो है तंदूर से रोटी ली है, और इतनी मज़े की लग रही है। बहुत अरसे बाद जो है तंदूर की रोटी और दाल खाने में इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि ख़ुद से नहीं होती, रूटीन काफ़ी चेंज है तो नहीं होता है, बट अम्मी ने जो है आज स्पेशली तंदूर की गरम रोटी और दाल बनाई थी। और यहाँ पे जो है मैंने ये वेजिटेबल्स काटी हैं, तो गोश्त से थोड़ा सा हट के हम लोग बना रहे थे, क्योंकि गोश्त मटन और ये चीज़ें खा खा के थक गए थे, तो कुछ डिफरेंट जो है वो बनाना चाह रहे थे, तो इस वजह से हमने अम्मी को ये कहा कि आप जो है आज फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाएं। तो बस यहाँ पे उसी की तैयारी हो रही है, और मैंने चीज़ें काट के दी थी और अम्मी ने ये सारी कुकिंग की है, और बहुत ही मज़े के फ्राइड राइस और मंचूरियन अम्मी ने बनाए हैं, बहुत मज़े के। और इतना ज़्यादा जो है खाया तो नहीं गया था गोश्त, बट संभाल के और देख के और थोड़ा बहुत खा के भी बिल्कुल ही दिल जो है वो उससे वो भर गया था। लेकिन उसके साथ जो है मंचूरियन और फ्राइड राइस के साथ हम लोगों ने, अम्मी ने बल्कि बनाया था, हम लोग बनाते हैं नमक वाला गोश्त बनाते हैं, काफ़ी फेमस है और हम लोगों की तरफ बनता है, बकरा ईद पे तो स्पेशली बनता है। तो फ्राइड राइस और मंचूरियन के साथ जो है अम्मी ने नमक वाला गोश्त मेरे हस्बैंड के लिए अभी बनाया था, उनको अच्छा लगता है काफ़ी, तो ये इस तरह से जो है नमक वाला गोश्त बना था, और काफ़ी टेस्टी था काफ़ी ज़्यादा। और मुझे अम्मी के हाथ का एक्चुअली नमक वाला गोश्त भी काफ़ी पसंद है, बहुत मज़े का बनाती हैं मेरी अम्मी, तो बस ये बनाया था। और उसके बाद जो है रात को खाना खाने के बाद हम लोगों ने मूवी देखी, यहाँ पे हम लोग मूवी इंजॉय कर रहे हैं, एक अच्छी मूवी थी, इंग्लिश मूवी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और काफ़ी हम लोगों ने ये टाइम भी इंजॉय किया। और उसके बाद जो है हम लोग बस नेक्स्ट डे है ये, नाश्ता करके हम लोग वापस जा रहे हैं, और वापसी की तैयारी है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक दिन हम लोगों ने लेट स्टे किया था, तो बस हम लोग निकल रहे हैं। और ये सामान आप लोग देखें कि ये जब भी मैं जाती हूँ, मेरी अम्मी जो है शॉपर्स बैग्स बिल्कुल ही भर देती हैं, फुल कर देती हैं, तो बस, और हमेशा की तरह जाते हुए दिल बहुत ही खफा होता है,
काफ़ी खफा होता है, अम्मी का भी मेरा भी, तो दिल खफा हो जाता है। बट क्या करें, अल्लाह ताला ने जहाँ पे रिस्क लिखा होता है और जहाँ पे नसीब में रहना लिखा होता है, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। बट हमेशा जो है वापसी पे मेरा भी और अम्मी का दिल भी काफ़ी खफा होता है। तो बस अभी हम वापस जा रहे हैं और बस देखें, अब रात लेट हो जाएंगे हम पहुँचते हुए, क्योंकि हम लोगों को निकलते निकलते ही तकरीबन काफ़ी देर हो गई थी। कोशिश बहुत की नाश्ते के बाद ही निकल जाएं, बट काफ़ी लेट हो गए हम लोग। और यहाँ पे जो है हम लोग जा रहे हैं वापस, और इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं इन लोगों की सर्विसेज। तो हम लोग इसलिए अक्सर कोशिश करते हैं कि हम गाड़ी नहीं लेकर आते, हम इसी पर जाते हैं और बहुत ही जल्दी पहुँचा देते हैं, सर्विस भी बहुत अच्छी है इनकी। तो अभी जो है मुझे इतनी भूख लग रही थी, तकरीबन ये 9:30-10 का टाइम हो रहा है, और हम लोगों ने नाश्ता ही किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था क्योंकि नाश्ता काफ़ी लेट किया था, लेट हो गए थे हम लोग। तो यहाँ पे बस मैं अभी जो है जैसे ही बॉक्स रिसीव किया है तो मैं खाने लगी हूँ, क्योंकि भूख से बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग रास्ते में कहीं उतर के कुछ खा लेंगे, बट स्नैक्स वगैरह थोड़े से हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। और ये आप लोग देखिए कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं दोनों डिफरेंट ही देख रहे हैं, मैं अपना यूज़ कर रही हूँ टैब, वो अपना यूज़ कर रहे हैं। और ये हम लोग रास्ते में भीरा पे उतरे थे, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग मैक ले लेंगे, बट जब यहाँ पे मैं उतरी और मैंने देखा तो इतना ज़्यादा रश था, और हमारा हार्डली 10 मिनट्स का स्टे था, 10 से 15 मिनट्स का। तो ये तो हमारी बारी आने में ही काफ़ी देर लग जाती, तो इस वजह से हमने ये प्लान स्किप कर दिया, वरना हमारा मैक खाने का इरादा था कि हम पैक भी करा लें तो हम चलो रास्ते में ले लेंगे, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ही रात हो जानी थी हमें पहुँचते पहुँचते। तो ये प्लान जो है हम लोगों ने कैंसिल कर लिया और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, और अब हम लोग काफ़ी लेट पहुँचेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रास्ते से ही हम कुछ ले लें। और हम लोग तकरीबन 2 बजे पहुँचे थे, और मैंने जो है शवरमा ही हम लोगों ने ले लिया था रास्ते से, और वही हम लोगों ने खाया, और सोते सोते हमें 3 ही बज गए। और सुबह मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने जॉब पर भी जाना था, और यहाँ पे जो है मैं अपनी जॉब पर आ चुकी हूँ, और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, रात काफ़ी लेट पहुँचे थे, तो मैंने बस सिंपल स्लाइस लेके एक पे ब्रेड और जैम लगा, बटर और जैम लगा दिया ब्रेड पे, और एक पे मैंने चिकन स्प्रेड लगा दिया, और बस वो अभी मैं चाय के साथ लूँगी अपने ब्रेकफास्ट में ही काम करते हुए। तो बस रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जॉब भी स्टार्ट हो गई है, और घर भी इतने अरसे बाद आए हैं, ईद के बाद तो वो काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना है, बट इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे साथ साथ। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।